अब वो सपना पूरा होने जा रहा है जब हम पूरे मित्तल परिवार से अपना बदला ले सकेंगे और इसमें हमारा साथ देगा उनका अपना बेटा मलय हर्षवर्धन मित्तल। कितना रोकने की कोशिश करते उसे यहाँ आने से, लेकिन मलय हर बार खींचा चलाता है हमारी ओपो की ओर। अभी भी अलमारी में छिपा बैठा था ये। अब चाहे ये दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले उसे मेरी ओपो से दूर करने की, लेकिन मलय वो नहीं मानेगा। मैं आज ही ओपो को राजबिहारी मंदिर लेकर जाने वाली हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी वहां पहुंच जाएगा मेरी ओपो के लिए। आप इसका मतलब जानती हैं? हैं? अब देखिए मैं कैसे उन्हीं के खानदान के चिराग से उन्हीं का घर चलाती हूँ। दोनों स्कूल की खड़ूस प्रिंसिपल्स की तरह यहाँ क्यों खड़ी हैं? माँ, कहाँ से आ रहे हो मले? वो मॉम, मैं बाहर टहलने गया था खुली हवा में। वो क्या है ना, हॉस्टल की स्मेल से मेरा सर भारी हो गया था इसलिए। ओ, तो खुली हवा सिर्फ होशबारी में मिलती है, यहाँ आके झूठ बोलना भी सीख गए तुम। मॉम वो बस दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, तेरा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। चाची ने तुम्हें घोषबाड़ी से निकलते हुए देख लिया था। माँ, मैं बहाने क्यों बनाऊंगा? ये सच है कि मैं वहाँ गया था, पर ये भी सच है कि मैं वहाँ टहलते टहलते चला गया था। वो एक्चुअली मैंने कल्पना काकी को आज हॉस्पिटल में देखा था, तो वो बहुत जल्दी में वहां से निकल गई। मुझे लगा कि उनकी या उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ना खराब हो गई हो, तो मैं बस यूं ही हालचाल पूछने चला गया था। लेकिन माले, मैं तुम ठीक है, पर अब लंच टाइम हो गया है, गेस्ट आने ही वाले होंगे, तो अब तुम कहीं नहीं जाना। जी मॉम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे काकी, आप आज तो क्या बात है, मैं जहाँ जहाँ आप वहाँ वहाँ, या हम जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मंदिर आते हो। मले बाबा का ये भक्ति रूप मैंने भी आज पहली बार देखा। वो क्या है ना काकी, बहुत सुना है इस मंदिर के बारे में, जब से कोलकाता आया हूँ बड़ा मन था यहाँ आने का। हाँ? बड़ा प्रख्यात मंदिर जो है, सुना है राधा कृष्ण से की हुई हर प्यार की प्रार्थना पूरी होती है यहाँ। वाओ, तो दोस्तों आप भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए कुछ पाठ पूजा कर लीजिए, कुछ भला हो जाए इन बर्बादों की टोली का। अरे मैं तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया काकी, ये है शिवम, ऋषि और अभी को तो आप जानते ही गाइस, ये है हमारी पड़ोसी कल्पना काकी जी और ये है अप्पू अपराजिता। देख यार, तो उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर क्यों उसके घर पड़ रहा है यार? Disgusting man. Shut up यार, हम लोग तो ऑलमोस्ट दोस्त बन चुके हैं और हमारा तो दोस्ती वाला झगड़ा भी हो चुका है, राइट अप्पू?